हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स, है ना। वो ग्राफ जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बट उन पर एक बार विचार कर लेते हैं कि वो ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। देखो, एक ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें ये विद दिस है ना, यहाँ पर डार्क सर्कल और एक ये। तो देखो, ये तो होता है किसका, y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x का, है ना। सिग्नम फंक्शन का जो मैं अभी तक आपको क्लासेस में बताया हूँ ना, वो चीजों पर, उन चीजों के ग्राफ है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये एक ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो इसमें ये, एक मिनट, ये हुआ और ये। तो ये आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है ना। रिकॉल करवा रहा हूँ एक बार, है ना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे ये जो ग्राफ जो टॉपिक है ना, इसमें हमारे बहुत सारी चीजें यूज में आएगी, ठीक है ना। एक ये यूं गया, ये इस तरीके से। तो ये मान लीजिए ये 1,0 पे इंटरसेक्ट करता है ना। तो और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये है वाई लॉग एक्स विद बेस ए, ठीक है। उसका हो गया ये ग्राफ, ठीक है। ये किसका हो गया, वाई इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए का, ठीक है ना। इसी से ही हमारे पास मैच्ड है, एक ये हो गया, है ना। एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए 1,0 पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये भी ये हमारे पास किसका है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए का, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, अब जरूरी बात आपको लग रहा होगा कि भाई इनमें और इसमें अंतर क्या है, तो मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि देखो, ये तो कब होता है, ये जब ए ग्रेटर देन वन होता है, ए ग्रेटर देन वन होता है ना। और ये कब कब का है, जब ए लेस देन वन हो, तो मतलब ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन वन हो, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद में मान लीजिए एक ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया, है ना। ये होता है, मान लीजिए यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया वाई इक्वल टू ए पावर एक्स का, वाई इक्वल टू ए पावर एक्स का, वेन ए इज ग्रेटर देन वन, है ना, ए इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाई एक्सिस लिया, ये यहाँ पर लिया एक्स एक्सिस, है ना, और ये हो गया, ठीक है। ये किसका है, ये है ए, मतलब पहले एक्सिस बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई इक्वल टू ए पावर एक्स का। ए पावर एक्स का कब है ये ए जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में है हमारा, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन का है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स का, जिसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा, ये बनेगी 45 डिग्री के एंगल से, ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो, ये सारे ग्राफ एक बार मैं इस क्लास में आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे कि आगे का क्या रहता है क्या नहीं रहता, है ना। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे जरूरी बात आपको वैसे ही याद आ जाएगा, आई होप। ये सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम, याद है, ये हो गया, है ना। और ठीक इसी प्रकार से ये होलो, फिर
फिर ये यहाँ पे डार्क, फिर ये होलो, फिर ये यहाँ पे डार्क, फिर ये होलो और फिर ये यहाँ पे डार्क, है ना। ये इसी के साथ का है, कहीं आप इसको जोड़ ना पाओ, है ना। अच्छा ये किसका है, ये y एक्सिस हो गया मान लीजिए, ये x एक्सिस हो गया, ये जो है ये हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। तो इससे याद आया कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ रह रहा है यानी, है ना। चलो फ्रैक्शनल पार्ट का देख लेते हैं। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, उसके बाद में हमारे पास ये हो गया, है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये देखो एक ये ऐसा, याद है ना ये चीज, तो ये हो गया, ये इसके ऊपर ही बनता है ना। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इस पर ये डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ पे ये वन पर हुआ है ना। तो ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। अच्छा उसके बाद देखो आगे, उसके बाद में ये हो गया, ये लिया मैंने और ये लिया, ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। अभी कुछ याद आएगा आपको, ये दोनों तरफ का ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये किसका ग्राफ है, ये होता है y इक्वल टू x प्लस वन बाय x। इनकी सबकी मैंने जिस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट वगैरह बताई थी ना सभी की, और सभी की रेंज क्या क्या होती है, किस किस की क्या क्या रेंज होती है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ एक ये हमारे पास टॉपिक है, सम बेसिक ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स टू मेमोराइज, ठीक है ना। कुछ बेसिक ग्राफ है मेमोराइज के लिए, वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो ये हाँ, मतलब ये है लगभग आपके चार पांच बेसिक ग्राफ है लगभग, है ना। तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।